नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए, बिहार के आरा से एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही जल ही जल मिशन को लेकर आपको बता दें, और कहावत भी ये है कि जल ही जीवन है और सभी ये वाकिफ है इस कहावत से, लेकिन अभी भी आम जनमानस को शुद्ध जल जो है मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर जो है सरकार विभिन्न प्रकार की कार्रवाई अपने स्तर से कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर नल के शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ICDS के निदेशक आलोक कुमार, जो बिहार के हैं, इन्होंने पत्र जारी कर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र तथा नल के पानी का कनेक्शन पहुँचाएँ और इस कार्य को प्राथमिकता दी जाए। देखिए, पत्र में क्या कहा गया वो आपको बता देते हैं। जिला परियोजना अंतर्गत नल का जल से आच्छादित केंद्रों का सत्यापन करने हेतु नल का जल विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर इसकी 100% उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए तथा ICDS निदेशक के आंगन ऐप अंतर्गत NIC के द्वारा निर्धारित मेन्यू में 24 घंटे के अंदर अपने परियोजना जिला से संबंधित आवश्यक सूचनाओं को प्रविष्ट यानी दर्ज करना सुनिश्चित किया जाएगा। सवाल यहाँ पर घुमा फिरा कर आ जाता है कि आंगन ऐप है क्या। देखिए, जानकारी मिली है मेन्यू के अनुसार पोषाहार वितरण के साथ ही संसाधनों की उपलब्धता तथा बच्चों की उपस्थिति की सीधी पड़ताल के लिए महत्वाकांक्षी आंगन ऐप को लॉन्च किया गया है, और इस ऐप के जरिए CDPO और महिला पर्यवेक्षक बच्चों की उपस्थिति एवं संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी जो है अपने बड़ी यानी कि वरिष्ठ पदाधिकारी को उपलब्ध कराती हैं। इस एप्लीकेशन के उपयोग से निरीक्षण प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जा सकता है। केंद्रों से संबंधित सभी जानकारी संग्रह करते हुए व्यय वाउचर की भी जो है प्रविष्टि भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आंगन एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में काम करने में भी सक्षम है। केंद्र पर जाकर मोबाइल में मौजूद आंगन ऐप का निरीक्षण प्रतिवेदन खोलना है, और इस निरीक्षण प्रतिवेदन में केंद्र खुला या फिर नहीं, अगर आंगनबाड़ी केंद्र खुला है तो उक्त केंद्र में कितने बच्चे नामांकित हैं, कितने बच्चे उपस्थित हैं, साथ ही साथ मेनू के अनुसार भोजन बना या फिर नहीं, केंद्र द्वारा दी जा रही सेवाओं का स्तर क्या है, पोषाहार वितरण के साथ ही संसाधन की उपलब्धता तथा बच्चों की उपस्थिति की सीधी पड़ताल के लिए इस ऐप का जो इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऐप के देखिए जरिए CDPO व महिला पर्यवेक्षक जो बच्चों की उपस्थिति और संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी अपने जो है वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी उपलब्ध कराएगी। तो यहाँ पर हमने जाना बिहार सरकार जो नल से जल के तहत जो योजना चला रही है, जो पूरे देश भर में चल रही है, केंद्र सरकार की योजना है। प्राथमिकता के तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में, प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर टोटी लगाकर टैप यानी कि लगाकर नल से जल की व्यवस्था की जाएगी ताकि जो किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। साथ ही जो है आंगन ऐप के बारे में हमने जाना क्या है आंगन ऐप और इसका कार्य क्या होगा। तो पूरी जानकारी हमने लगातार हमारे साथ बनी रही है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।